मेरा सवाल था जीना से मुताल्लिक था कि जैसे जीना जो हाथों का जीना हदीस, आंखों का जीना, जबान का जीना जो होता है, तो उसमें जीना और जो लड़का लड़की एक साथ अकेले में मिलते उसमें जो जीना करते हैं, वो इन सब जीना में जो गुनाह जो होता है वो बराबर होता है या वो अमिश्तरी वाला जीना का गुना ज्यादा होता है और जो आंखों का जीना, हाथ का जीना, मुंह का जीना, वो उसमें डिफरेंस क्या, ये जानना था सिर्फ। भाई का सवाल है, उन्होंने एक हदीस की तरफ इशारा किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आंख भी जिना करती है, हाथ भी जिना करता है, पांव भी जिना करते हैं। आंख का जिना ये है कि उससे हराम चीज की तरफ देखें, हराम किसी ऐसी औरत को आप देखें कसदन जिसको देखना हराम है, तो ये आंख का जिना है। आप छुएं हाथ से, हाथ का जिना है। पांव से चल के वहां तक जाएं, ये पांव का जिना है। और एक जिना होता है हकीकी जिना। जब सिर्फ जिना कहा जाता है तो हकीकी जिना मुराद होता है, जिसका जिक्र उन्होंने आखिर में किया। और फर्क है, दोनों के दरमियान फर्क है, उसके जाहिर है उसके गुनाह में भी फर्क है। उसकी दलील ये है कि आंख से देख करके जो जिना होता है, आंख का जिना, उस पर हद नहीं है कोई, जबकि जो हकीकी जिना है उस पर हद है जी। तो वो बड़ा गुनाह है। इससे ये भी जिना है। क्यों इसको जिना दरअसल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वसीला है, वसीले को गायत का नाम दे दिया गया है। आप आंख से देखना ये पहला कदम है, उसके बाद आदमी आगे बढ़ता है, तो ये वसीला है, रास्ता है उसकी तरफ ले जाने वाला, इसलिए इसको उसी का नाम दे दिया गया है। क्योंकि वसीला भी बहुत अहम होता है किसी मकसद को अंजाम देने में, तो इसीलिए एक कायदा है, अलवसाइलो लहा हुक्मुल गायात, तो ये उसी कबील से है कि ये वसीले का हुक्म जो है वो गायत का हुक्म होता है। तो ये आंख से देखना, हाथ से छूना, ये जिना का वसीला है, लेकिन जो जिना की इंतहा होती है ये उससे अखफ है, उससे कमतर है।